210 अंग्रेजी शराब की पेटियों का यह जखीरा मिला है बुलंदशहर में। इसी शराब को इलेक्शन के दौरान बांटा जाना था, लेकिन बुलंदशहर पुलिस ने थाना छतारी इलाके में शराब की पेटियों के साथ दो आरोपियों को धर दबोचा। ये मामला है कि चुनाव के दृष्टिगत जगह जगह पर चेकिंग चल रही है। इसी चेकिंग के तहत हमारी एसओजी की टीम और छतारी पुलिस ने पहासू के आसपास वहाँ चेकिंग के दौरान ये पाया कि एक कैंटर गाड़ी है जिसपे ऊपर से स्क्रैप लदा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चेक किया गया तो पता चला कि उस पर अंग्रेजी शराब लदी हुई है जो 210 पेटी शराब है, लगभग 15 लाख रुपए कीमत की शराब है। मार्केट में अलग अलग ब्रांड की शराब की कीमत 15 लाख रुपए है। पुलिस को शराब के बारे में पहले ही सूचना मिल गई थी, जिसके बाद जब पुलिस ने एक कंटेनर को रोका तो ये पेटियां बरामद हुई। दो लोग इसमें पकड़े गए हैं, एक पवन और एक नवीन, दोनों ये हरियाणा सोनीपत के रहने वाले हैं। ये जो शराब पकड़ी गई है इसको सर कहाँ सप्लाई करना था, क्या ये जो शराब है आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ मतदान होना है पहले चरण में, क्या सर क्या उसको सप्लाई करने के लिए लाई गई? निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये लोग आसपास के जिलों में इसका इस्तेमाल करते, जिनसे इनका टाई अप रहा होगा उनको ये डिलीवर करते हैं, लेकिन बीच में ही पकड़े गए, अपने अभियान में मिशन में कामयाब नहीं हुए, गिरफ्तार हो गए, मुलजिम बन गए। बुलंदशहर पुलिस ने कहा है कि बुलंदशहर में ही शराब की अलग अलग जगह पर सप्लाई होनी थी। माना जा रहा है कि इलेक्शन के दौरान इस शराब को लोगों में बांटा जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।